वेलकम टू द चैनल गुरमीत दिस साइड। और आज आप लोगों के सामने मैं और जतिन लेकर आए हैं एलईडी रिंग लाइट। ओके, सो काफी ट्रेंड में है, टिकटॉक्स तो चला गया, काफी पुराना हो गया है टिकटॉक का जाना। और आज हमारे सामने जो नई चीज है वो मैंने आपको बताया कि एलईडी है, तो यानी कि अगर आप इंस्टा रील्स वगैरह यूज करते हो तो इस आपके लिए बहुत जबरदस्त चीज मैं लेके आया हूँ। ठीक है, और चलिए पहले एक बार बात कर लेते हैं कि मतलब कंपनी कौन सी। तो डिजिटेक कंपनी है, एलईडी रिंग लाइट है और DRL 18R ड्यूअल कलर टेम्परेचर। सो बेसिकली ड्यूअल कलर टेम्परेचर मैं आपको बताऊंगा वो क्या है, साथ में क्या क्या मिलने वाला है वो आपको कुछ दिख रहा है, बट मैं पीछे भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आप देख सकते हो नोडो शेड एपर्चर है, उसके बाद हमारा स्टेपलेस एडजस्टमेंट ऑफ लाइट सेंसिटिविटी और रन ऑन AC पावर, आप इसको इस तरीके से रन करोगे। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं क्या है बॉक्स में। तो इस तरफ हमारा आप देख सकते हो दोबारा से क्या लिखा हुआ है। और अगर मैं पीछे की बात करूं तो पीछे मतलब काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी है हमको, डिजिटेक एलईडी लाइट रिंग लाइट DRL 18R इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, फीचर्स की बात करिए, इनपुट आउटपुट ल्यूमिनेंस एडजस्टमेंट रेंज नंबर ऑफ एलईडी कलर टेम्परेचर डायमेंशन वेट 1 किलो वेट है हमारा और 45 वॉट इसमें हमारा यूज होगा। उसके बाद रिमोट कंट्रोल स्टेपलेस है, एडजस्टमेंट रेंज की अगर हम बात करें ये आप देख लीजिएगा इसके अंदर के हमको रिमोट के अंदर क्या क्या फंक्शन मिलने वाले हैं। तो पावर ऑन पावर ऑफ, उसके अलावा है हमारा इंक्रीज पावर और डिक्रीज पावर डिक्रीज पावर। ओके, सो 50% व्हाइट एंड 60% येलो पावर एडजस्ट मोड। सो इससे आप जब इसको यूज करोगे तो आप इसको ऐसे ऐसे कर सकते हो। उसके बाद में एक्सलरी, सो 50% येलो एंड फुल पावर मोड हो जाएगा। उसके बाद हमारा इसके अंदर है CT प्लस और CT माइनस चेंज कलर, बेसिकली CT मतलब चेंज कलर टेम्परेचर। और इसमें आपका लिखा हुआ है उसके बाद में सिलेक्शन से आपको येलो कौन सी लाइट लेनी, बेसिकली इसमें दो कलर की हमारी लाइट है व्हाइट और येलो, तो आपको किस तरह की लेनी है वो आप देख सकते हो। अब बात करें बॉक्स कंटेंट की, तो इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है तो मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ। देखो इसके अंदर हमको मिलेगी रिंग लाइट बॉडी, AC पावर केबल, बॉल हेड, स्मार्टफोन माउंट, उसके अलावा रिमोट कंट्रोल कैरी बैग और इंस्ट्रक्शन यूजर मैनुअल। ठीक है, कंपनी के बारे में आप यहाँ से देख सकते हो, बट मैं चाहूंगा आप यहाँ से ना देखो। ठीक है, क्योंकि बल्क में लेना पड़ेगा अगर यहाँ से आप लेने वाले हो तो। आपको मैं सारी इसकी डिटेल बाद में दूंगा ही, जो आपको चाहिए होती है जरूरी। और किस किस चीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो मैं एक बार आपको वो भी बता देता हूँ। सो इट इज आइडियली यूज फॉर सेल्फी, मेकअप आर्टिस्ट, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और वीडियो शूट, फैशन फोटोग्राफी, यूट्यूब वीडियोज। ओके, और 420 पिक्स हाई क्वालिटी SMD LED लैंप्स हैं इसके अंदर जो हम यूज कर रहे हैं। चलिए ज्ञान की बातें बहुत हो गई, अब देख लेते हैं कि सामान क्या है। तो मैं इस बॉक्स को खोलूंगा और उसके सामने आपके वो रखूंगा, तो एक मिनट आप वेट कीजिएगा। तो बॉक्स में से ये हमारा थैला निकला है, जिसको आप कुछ भी बोल सकते हो, मैं इसको कैरी बैग बोल देता हूँ। और ये चैन लगी है इसमें, थैले की क्वालिटी की, कैरी बैग की क्वालिटी की बात करूँ ठीक है, मतलब एक LED के लिए आपको चाहिए, 1 kg की LED के लिए आपको काफ़ी ठीक है। और ये हमारे रिंग लाइट है सबसे पहले, तो मैं रिंग लाइट और ये सामान निकाल के रख देता हूँ बाहर। ये हमारी रिंग लाइट हो गई, जिसके ऊपर और पहले हम देख लेते हैं अंदर क्या क्या है। सो पहले सारा सामान मैं निकाल के रख लेता हूँ। मैंने उसका जो कैरी बैग था उसमें से सारा सामान बाहर निकाल लिया है, तो आप देख सकते हो उसके अंदर हमको क्या क्या मिला है। यूजर मैनुअल है हमारा, ठीक है, उसके अलावा हमारा ये हो गया माउंट और ये हो गया हमारा एडजस्टर, उसके अलावा ये रिमोट कंट्रोल हमारा, और ये हो गई हमारी रिंग लाइट जिसके ऊपर लिखा हुआ है डिजिटेक। क्वालिटी की बात करूँ यार, देखो मेरे को तो क्वालिटी ठीक लग रही है, बट एक बार जब आप लोग टेस्ट करोगे तब इसके बारे में ज़्यादा बता पाओगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा। और अभी फिलहाल मैं दिखा देता हूँ कि ये हमारा क्या है। सो इसके अंदर है हमारा अडेप्टर और इसको बॉक्स को मैं साइड रख देता हूँ। अब बात करें अडेप्टर की, तो हमारा AC DC अडेप्टर मिलता है और स्विचिंग अडेप्टर है, मॉडल नंबर इनपुट्स में जो जाएंगे हमारे AC जो जाएगा वो 100 का जाएगा और 240 वोल्ट जाएगा, आउटपुट जो इसमें हमारा DC 15 वोल्ट का आएगा। इंडोर यूज ओनली है, कुछ उसके बारे में लिखा है मेड इन चाइना, ठीक है, तो अगर चाइना का सामान ले रहे हो तो ले लो, वैसे बाकी आपकी मर्जी है। क्वालिटी की बात करूँ तो मेरे को क्वालिटी इतनी ठीक लग रही है, मतलब ये नहीं बोल सकता और सुपीरियर क्वालिटी है, बट ठीक है। ओके,
सो इसको भी साइड रख देते हैं। और अब मैं आपको इसको लाइट से कनेक्ट करके और इसकी क्वालिटी दिखा देता हूँ, और साइड बाय साइड मैं कोशिश करूंगा कुछ वीडियोस डाल दूँ आप लोगों के लिए और इमेजेस भी डाल दूँ, ताकि आप लोग देख पाएं कि इसका किस तरह के फीचर्स और किस तरह के आपको कलर कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं। ओके सो चलिए मेरे को आप 1 मिनट दीजिए कनेक्शन के लिए। मैंने रूम की लाइट अभी बंद कर दी और आप देख सकते हो किस तरीके का आपको एक्सपोजर मिल रहा है आपके सामने सब कुछ। सो मेरे को तो काफी अच्छा लग रहा है ना। लाइट जो है थोड़ी येलो करके दिखाता हूँ आपको, सो आप देखना उसको, ठीक है। सो ये लाइट इस वक्त फुल है, आप देख सकते हो। ओके ये मैंने फुल लाइट कर दिया इसकी, इसमें ठीक है। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसकी लाइट को जो है वो चेंज करूंगा दूसरे कलर में। सो अब मैंने येलो कर दिया है, तो आप देख पा रहे हो, देखो मैं जितना है तो येलो करूंगा उतने मेरे फेस के जो एक्सप्रेशन तो सेम है, लेकिन जो मेरे फेस के ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है वो आप देख सकते हो। ये मैंने इस वक्त इसको प्रॉपर येलो कर दिया है। सो इस तरीके की इसकी मतलब हमारी कुछ लाइटिंग का इफेक्ट आएगा या रिफ्लेक्शन आएगा, और मैं बोल सकता हूँ कि लाइट जो हमारी आएगी वो इस तरीके से हमारे ऊपर आने वाली है। सो मेरे को तो यार ठीक लग रहा है। देखो अगर लाइटिंग की और उसकी बातें करूँ तो ठीक है, बट अगर आप लोगों को लगता है कि आपको प्राइस वगैरह अगर मैं इसके बताऊं, सो यार देखो प्राइस है इसके ऑलमोस्ट 3,000 रुपये, ठीक है। और वो सारी चीजें मैं डिटेल्स में डाल देता हूँ एज यूजल पहले की तरह, तो आप वहां से सब चीजें देख सकते हो। इसमें कुछ चीजें रह गई हैं जो इसमें पीछे से मैं एडजस्ट कर सकते हैं, वो मैं इसको बंद करके फिर आपको पीछे से एक बार दिखा दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हो किस तरीके से हम चीजों को और इसका मतलब इसके फीचर्स जो है उनको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके सो 1 मिनट दीजिए आप मेरे को, मैं दोबारा से बैक करके आपको वो सारी चीजें दिखा देता हूँ। सो मैंने इसको ना अभी बैक से मैं आपको दिखा रहा हूँ, सो फ्रंट मैंने इसका नीचे की तरफ कर दिया है। सो यहाँ से हम इसमें अपना चार्जर लगाते हैं। सो मैं एक बार आपको चार्जर हटा के दिखा देता हूँ। सो यहाँ से आप ऐसे चार्जर इसका लगाओगे, चार्जर लगाने के बाद डायरेक्ट लाइट इसमें आपकी आ जाती है। उसके अलावा इसमें आपको अगर आपको फोन कनेक्ट करना है आपको USB के साथ में, सो आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास ये दो हमारे पास हमको रोटेटर मिले हुए हैं। सो एक तो है हमारा कलर चेंज करने का, ये आप देख सकते हो किस तरीके से हमारे कलर्स चेंज हो रहे हैं। ओके और दूसरा जो है वो हमारा इसको ऑन ऑफ करने का है। सो आप इस तरीके से इसको बंद करोगे, उसके बाद में ऑन करोगे, आपको कितनी लाइट रखनी है इसमें। सो मान लीजिए मेरे को इतनी लाइट रखनी है और मैं लाइट चेंज करना चाहता हूँ, सो ये व्हाइट, बट अब आपको व्हाइट में चाहिए हाई। सो आप इस तरीके से इसमें अपनी एडजस्टेबल चीजों को एडजस्ट कर सकते हो चीजों को। सो मेरे हिसाब से सारी चीजें ऑलमोस्ट मैंने कम्प्लीट करती है। उसके अलावा आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके, डेफिनेटली हम लोग आपको उस चीज़ का जवाब दे देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है और वीडियो आपको इस तरीके की और चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और शेयर कर सकते हो अगर कोई आपका फ्रेंड है जो चाह रहा है इस तरीके की चीज़ों को उनके साथ में भी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।